ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास 9 की चैप्टर का नाम मोशन है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने एस चांद की बुक से लिया है, ये सैम्पल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वॉट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड सेकेंड वॉट इज इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इस न्यूमेरिकल से भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही ईस्ट साउथ और ईस्ट, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन क्या बोला, ईस्ट और साउथ। तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए, समझ लीजिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ठीक है। तो इसको सामने रख करके अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक आदमी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1.5 मीटर किधर, टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में आगे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ कितना मीटर, 1.5 मीटर। और यहां पर मैं जो स्केल ले रही हूं आप देख सकते हैं, ये जो स्केल है यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो मैं यहाँ पर ये एग्जाम कर लेती हूँ कि ये जो है सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, यानी कि ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यानी कि यहाँ पर मैंने ये एज्यूम किया है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर है, ठीक है, मैं यही समझ लेती हूँ। तो हमने कितना, एक आदमी जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.5 मीटर, किस साइड, टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप देख सकते हैं ईस्ट इस डायरेक्शन में है, आगे की ओर, मतलब आगे की ओर जाएगा ये, तो कितना मीटर है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप स्केल से, यहाँ से आप स्केल से अगर बनाएंगे 1.5 मीटर, तो देखिए आपका क्या आएगा, ये देखिए यहाँ से है 1.5, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका, ये देख सकते हैं, ये आएगा, आप देख सकते हैं ये जीरो से और यहाँ ये 1.5 आएगा, ये 1 और 2 है, इसके बीच में ये जो लंबी वाली लाइन है ये 1.5 बता रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया वो 1.5, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या माना, 1 मीटर, तो ये क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर ईस्ट है तो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ कहाँ है, आप देख सकते हैं साउथ नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो हम नीचे की ओर जाएंगे कितना, 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर जाइए आप, यहाँ जीरो पे रखिए इसको स्केल, और 2 मीटर जाइए, तो 2 मीटर देखिए कहाँ आ रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पर, ये देखिए 2 है ना, तो 2 मीटर जाइए, ये हो गया साउथ, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, यहाँ 2.0 मीटर, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब बोल रहा है कि फाइनली, फिर उसने 4.5 मीटर किस तरफ ट्रेवल किया, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट कहाँ है, आप देख सकते हैं आगे की तरफ है, तो हम आगे ही जाएंगे, यहाँ पर आगे जाएंगे, यानी कि यहाँ से जाएंगे कितना, 4.5 मीटर। तो ये रहा हमारा 4.5 मीटर, स्केल से आप मेजर कर लीजिए, ये देखिए यहाँ से जीरो पे रखिए स्केल को, और 4 पॉइंट देखिए 4 और 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 4.5 यहाँ आएगा, इसको खींच लीजिए। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर, टुवर्ड्स ईस्ट 4.5 मीटर, ठीक है। ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है ना, ईस्ट। आप, मैंने ये डायग्राम बता दिया आपको, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, पहले वो ईस्ट की तरफ गया कितना, 1.5 मीटर ईस्ट, यानी कि आगे जाएंगे। तो देखिए यहां से मैं आगे गई 1.5 मीटर, फिर क्या बोल रहा है, 2 मीटर टुवर्ड साउथ, तो देखिए साउथ नीचे की ओर है, तो इसलिए आप नीचे जाएंगे 2 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फिर वो 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो ईस्ट आगे की तरफ है, तो यहां तक पहुंचने के बाद जब साउथ में यहां पर आया, तो फिर इधर से ईस्ट, यानी कि आगे की तरफ जाएंगे, तो ईस्ट होगा। तो इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कहने का मतलब कि इस आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ चला कितना, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहाँ से यहाँ चला कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से इधर गया कितना, गया 2.0 मीटर, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ गया कितना, 4.5 मीटर। तो ये जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया सबको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस बता देगा, यही तो टोटल डिस्टेंस बताएगा ना, तो इसको ऐड कीजिए। तो देखिए 1.5 और 4.5 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये दोनों जोड़ने पर 6 हो जाएगा, और 6 में ये 2 जोड़ देंगे तो 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर किया, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस में उसने टोटल कितना चला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकला, डिस्प्लेसमेंट का क्या तरीका है, डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे है, इनिशियली वो कहाँ पर था शुरू में, और फाइनली वो कहाँ पहुंचा, तो वो इनिशियल और फाइनल का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन करेंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इनिशियली आदमी तो पहले यहां पर था, यहां से चलना शुरू किया, ठीक है ना, यहां से चलना शुरू किया ना, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, यही तो इनिशियल पोजीशन हो गई ना,
शुरुआत तो उसने यहां से की है, तो ये इनिशियल पोजीशन है। फिर वो इतना चला, फिर यहां से साउथ की तरफ गया, फिर अगेन ईस्ट की तरफ गया, तो फाइनली वो पहुंचा कहां पर? फाइनली वो यहीं पर पहुंचा ना, इतना कवर करने के बाद फाइनली कहां पहुंचा? यहां पर। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, मी ना इनिशियली यहां पर था इस पॉइंट पर, तो ये इनिशियल पोजीशन मैंने लिख दिया, और यहां फाइनली पहुंचा, ये फाइनल पोजीशन। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बताता है इनिशियल टू फाइनल, कि इनिशियल टू फाइनल जो होता है, जो दूरी होती है वही इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन कीजिए, यहां से आप इसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, यही होती है इसकी डिस्टेंस, यही होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने सही से ज्वाइन नहीं किया, ये बिल्कुल जो डॉट है ना, बिल्कुल डॉट पर ही आना चाहिए ये, यस ये देखिए यहाँ पर आ रही, यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना इनिशियल और फाइनल की जो दूरी है, इसको आप, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस आप देख सकते हैं जिगजग टाइप का है, पहले इतना चला फिर नीचे आया फिर इतना चला, तो ये डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी बताता है, तो जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों लाइन, दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, ये मैं ए लिख देती हूँ, और ये डिस्टेंस ये मेरी डी है, ठीक है, ये डी मैं मान लेती हूँ। तो ए और डी की जो डिस्टेंस है ना, वही डिस्प्लेसमेंट होगी। मैं लिख देती हूँ ए डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर आप इसको, इसका इसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप स्केल से ही मेजर कर लीजिए। तो स्केल से जब आप मेजर करेंगे ना, तो ये आएगा आपका 6.3 के लगभग या 6.4 के लगभग, ठीक है ना। तो स्केल में मैंने क्या अज्यूम किया था, ये सेंटीमीटर में है, मैंने ये अज्यूम किया था कि एक सेंटीमीटर एक मीटर के बराबर है। तो यहां पर देखिए ये 6.4 सेंटीमीटर या 6.3 सेंटीमीटर के लगभग बता रहा है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर है तो एक सेंटीमीटर एक मीटर के बराबर है, तो 6.3 सेंटीमीटर 6.3 मीटर के ही बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 6.3 सेंटीमीटर और 6.3 मीटर, ठीक है, क्योंकि एक सेंटीमीटर हमने एक मीटर माना है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर इतने ही मीटर के बराबर होगा। तो जो AD है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क आपको समझ में आ गया होगा।